सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जान रहे हैं, आप सभी की जान रहे हैं कि पीजी के एडमिशन्स के जो प्रोसेस हैं वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है नॉर्मल कोर्सेज के लिए। और इसके रिगार्डिंग पेपर के कटिंग में भी आज कुछ और अपडेट भी आया है, तो चलिए सारा अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं कि पीजी के नॉर्मल कोर्स में क्या कुछ अपडेट है, कब से सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और वही जो वोकेशनल कोर्स है उसका जो लास्ट डेट है 20 नवंबर, क्या डेट उसका 20 नवंबर रहेगा या उसके भी डेट में कुछ एक्सटेंशन होगा। साथ में कुछ और अपडेट है जिसमें जो कुछ कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस में इस साल यानी 21 से जो 22 वाले जो सेशन है या फिर जो एडमिशन हो रहा है आपको 21 से जो नेक्स्ट ईयर यानी 21 से जो 23 वाला जो प्रोग्राम है उसमें कुछ कोर्सेज को कुछ कॉलेज में बंद भी कर दिया गया है। तो चलिए सारा अपडेट आपका पीजी का जो भी सारा अपडेट है वो आज का लेटेस्ट करेंट अपडेट आपको पीजी का समझाते हैं, ताकि आपके एडमिशन के प्रोसेस पूरे स्मूथली चले और आपको हर जो भी अपडेट है वो उससे आप अपडेटेड रहें। तो चलिए चलते हैं पेपर के कटिंग की ओर। तो यहाँ पे पीजी का अपडेट आपको प्रभात खबर के पेपर में भी मिल जाएगा। पीजी और यूजी दोनों का अपडेट आ गया है यहाँ पे नीचे की ओर देखिए लिखा गया है कि पीजी नामांकन को लेकर के अभी भी निर्णय नहीं, यानी अभी भी निर्णय में डाउट है, अभी तक कोई डिसीजन कंफर्म हो नहीं पा रहा है। और यहाँ बता दें आपको, इसमें बताया गया है कि पीजी वोकेशनल कोर्स में नामांकन का तो ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर से ही शुरू हो गया, लेकिन पीजी के सामान्य कोर्सों में नामांकन को लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ, यानी अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। और इसको लेकर के जो भी एडमिशन कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय हो सकता है, लेकिन अभी जो इसके एडमिशन्स कमेटी हैं अभी तक डिसाइड अभी तक नहीं किए हैं, अभी कुछ डिसीजन हो सकता है। और इधर स्नातक का रिजल्ट जारी होने के बाद पीजी में नामांकन को लेकर प्रतिदिन विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए इंक्वायरी के लिए छात्र छात्राएँ व अभिभावक पहुँच रहे हैं। ये तो कन्फर्म बात है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पीजी में एडमिशन्स लेना है वो लगातार यूनिवर्सिटी के कैंपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि कब से एडमिशन्स के प्रोसेस कंप्लीट होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। वही बता दें कि पीजी में स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, यानी जो नामांकन का जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल कोर्स है उसमें जो एडमिशन है वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वोकेशनल कोर्स में जो आपका एडमिशन होगा वो डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पे यानी एंट्रेंस टेस्ट पे। और इसके लिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए नीचे में बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि बुधवार को एडमिशन कमेटी की बैठक नामांकन संबंधित कई निर्णय होने हैं, यानी बुधवार यानी आज बुधवार का टाइम है। और याद रखिएगा कि बुधवार यानी आज कई सारे जो, चूंकि यूजी पे भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और पीजी के एडमिशन्स के प्रोसेस पे भी अभी पूरा डिक्लेरेशन क्लियर नहीं हो पाया है, तो एक बैठक सोमवार को हुई थी, एक बैठक मंडे को हुई थी। चूंकि इसके रिगार्डिंग मंडे के सुबह के पेपर में आया था यह न्यूज़ कि पीजी और यूजी के जो एडमिशन्स के प्रोसेस हैं उसके लिए एडमिशन कमेटी मेंबर डिसीजन लेंगे, और आज फिर बैठक है, यानी वेडनेसडे आज है और आज फिर बैठक है। बैठक के बाद क्या सारा डिसीजन होता है, इसके बाद डिसीजन आएगा और इसके अकॉर्डिंग एडमिशन्स के प्रोसेस को कंप्लीट करा जाएगा। बहुत मैक्सिमम उम्मीद है कि 18 के बाद आपका भी प्रोसेस कंप्लीट हो, चूंकि यूजी का जो स्पॉट एडमिशन्स का प्रोसेस है वो भी 18 के बाद कंप्लीट होने वाला है, तो पीजी के भी एडमिशन्स के प्रोसेस 18 के बाद कंप्लीट होगा। उसके कुछ कारण है कि जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम का दौर चल रहा है वो सारा एग्जाम का दौर 18 को खत्म हो जाएगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी फ्री हो जाएगी, एडमिशन कमेटी मेंबर भी जो भी डिसीजन लिए होंगे इसके अकॉर्डिंग 18 के बाद काम करेगा। अब जहां तक डेट एक्सटेंशन की बात है तो 20 नवंबर के बाद डेट बढ़ेगा, जो वोकेशनल कोर्स है उसमें भी डेट बढ़ेगा। और अभी नॉर्मल कोर्स के लिए तो टाइम कम से कम आपको मिलेगा तो लास्ट नवंबर तक मिलेगा, यानी अगर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट भी होता है 18 नवंबर के बाद तो कम से कम आपको 30 से 31 नवंबर तक का आपको लास्ट डेट मिलेगा एडमिशन के प्रोसेस के लिए, यानी एडमिशन में ऑनलाइन लेने के लिए। और जितने भी सामान्य कोर्सेस हैं हर सामान्य कोर्सेस में आपको चांस मिलेगा, आप निश्चित रहिएगा। ऐसा नहीं कि आर्ट्स का पेपर की बात हो या फिर साइंस के पेपर की बात हो, हर साइंस के पेपर या आर्ट्स के पेपर में हर जगह आपको चांस मिलेगा, तो आप निश्चित रहिएगा। आगे की ओर अगर आपको बता दें तो फिर जिस अपडेट में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो अपडेट हमारा यहाँ वाला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नए सत्र में पटना साइंस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के में पढ़ाई नहीं होगी। कौन कौन से कोर्सेस है याद रखिएगा, जिसमें इस साल जो सेशन जो चल रहा है इसमें कई कोर्सेस में पढ़ाई नहीं भी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपको बता दें, इसमें आपका MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन बायोकेमिस्ट्री और MSc इन एनवायरमेंटल साइंस, याद रखना है आपको कि पटना साइंस कॉलेज में इस बार MSc इन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं होगा, MSc इन बायोकेमिस्ट्री का कोर्स नहीं होगा और MSc इन एनवायरमेंटल साइंस, ये तीनों कोर्सेस को इस बार से बंद कर दिया गया, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई इस सत्र में नहीं होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, इसमें इसका NAC का ग्रेडिंग है जिसे यहां पे दिखाया भी गया है कि NAC के ग्रेडिंग व रिपोर्ट के कारण ऐसा काम किया गया है। 2019 में पटना साइंस कॉलेज का ग्रेडिंग रिपोर्ट जरा सा ठीक नहीं था, उसी के कारण ऐसे डिसीजन लिए गए हैं कि एनवायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री और फिर आपका बायो टेक्नोलॉजी, ये तीनों कोर्सेज में इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने चॉइसेस को बचा करके रखिएगा, क्योंकि इस बार इस कोर्स में किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे एकेडमिक सेशन है वो इस कोर्स में कंप्लीट पटना साइंस कॉलेज में नहीं होगा। प्लस इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि जो पटना यूनिवर्सिटी है उसमें जो पीजी का जो एडमिशन है वो वोकेशनल में हर हालत में टेस्ट के आधार पर होगा, तो डिपेंड करता है टेस्ट में, तो आपके हाथ का
टेस्ट में आपके अंडर कंट्रोल है कि अगर आप जितना बेटर कर सकते हैं उतना एडमिशन आपका कंफर्म है। लेकिन जो नंबरिंग का सिस्टम होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जो स्टूडेंट्स का हायर मार्क्स होगा उनके ज़्यादा चांसेस हैं और जिन स्टूडेंट्स का लोअर मार्क्स होगा उनके चांसेस कम हैं। तो जो वोकेशनल टेस्ट है वोकेशनल में डिपेंड करेगा आपका सीधा एकेडमिक टेस्ट पर कि कितना बेटर करते हैं, बट जो आपका नॉर्मल कोर्सेस है जिसमें एम ए एम एस सी एम कॉम वगैरह होता है वो डिपेंड करेगा आपकी सीधा सीधी मार्क्स पर। तो ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ मैटर करेगा आगे आने वाले दिनों में। और जो कन्फर्म है वो 18 नवंबर के बाद आपका भी कन्फर्म सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा हम आपके लिए फिर फ्यूचर अपडेट ला करके देंगे। सो गाइस फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फर्दर अपडेट आपको प्रॉपर मिल सके।